डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम्हें लास्ट की क्लास में मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे, पहले हम वो डिस्कस करते हैं फिर कुछ नया सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, मैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देखना मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट उसका डाटा लिख रहा हूँ। दो इक्वेशन दे रखी थी, एक है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और बोला था कि इन दोनों में कॉमन रूट है, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। तो सुनना, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हल्का सा हिंट दिया था कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, इसमें दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ठीक है। बट अगर मान लो मैंने अभी तुम्हें कॉमन रूट कंडीशन अगर तुम लगाते हो इसमें, तो तुम्हारी एक रिलेशन बनेगा ए और बी में, बट दो वेरिएबल्स के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, तो कुछ तो लॉजिकल लगेगा, ऐसा मैंने तुमको हिंट दिया था, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस पे। तो मैंने बोला कि इस वाले इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखने से मतलब है इसका डी चेक करो। इफ यू विल सी इट्स डी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 9 माइनस 20 विच इज नेगेटिव, डी नेगेटिव है, तो क्या है बेसिकली, डी नेगेटिव है और कोफिशिएंट्स रियल है, तो मेरा क्या हो गया, जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर, रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर, क्लियर है बच्चों, रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर। तो अब सुनो, जैसे कॉन्जुगेट पेयर है, तो मैंने मान लिया लेट्स से एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है और दूसरा है अल्फा माइनस आई बीटा, ऐसे ऐसा कुछ तो सिनेरियो हो रहा होगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। मैंने बोला दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, निकाल के देख लो पहले, तो मतलब इस टाइप का सिनेरियो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि इसने बोला कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, एक रूट एक्जैक्टली, उसने ऐसे नहीं बोला एक्जैक्टली वन रूट, उसने बोला एक रूट कॉमन है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे कि नहीं, इस पर्टिकुलर केस में जो सिनेरियो दिया है इसमें एक रूट नहीं, दोनों ही रूट कॉमन है। कैसे, जैसे मैंने अभी बोला कि इसके जो रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ डी नेगेटिव, तो मैंने मान लिया लेट्स से इस जो एक रूट कॉमन है वो लेट्स से ये मान लिया, दिस इज द कॉमन रूट बिटवीन दीज टू इक्वेशंस, या ये मान लो कोई भी मान लो, तो इसका एक रूट हो गया अल्फा प्लस आई बीटा। अब मैंने बोला जो सेकंड क्वाड्रेटिक है उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर रियल, तो मैंने बोला एज द कोफिशिएंट्स आर रियल, अब वाला नोट जब मैंने बोला था कि इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, तो अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा, तो देखो दूसरा रूट भी कॉमन आ गया, हैज बोथ द रूट्स आर कॉमन, और अगर दोनों रूट कॉमन है तब हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा, तो क्या लिखूंगा, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हिच इज 1, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हिच इज 3, दिस इज इक्वल टू इधर x का कोफिशिएंट 3, इधर x का कोफिशिएंट a, इधर कांस्टेंट पार्ट 5 और इधर हमारा कांस्टेंट पार्ट b। तो देखो इससे मेरा रिलेशन क्या आया, a इज इक्वल टू 9 और इन दोनों से मेरा b कितना आया 15, ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो हमारे ए और बी की वैल्यू आ गई। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, नोटिस करने वाला जो मेन ट्रिकी पार्ट था कि इसका जो डी है नेगेटिव है, तो जो रूट्स होंगे इसके वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। फिर मैंने क्या किया, इसका मान लो कोई भी एक रूट लिख लिया, लेट्स से अभी मैंने अल्फा प्लस आई बीटा कॉमन माना था, मैं अल्फा माइनस आई बीटा कॉमन से भी स्टार्ट कर सकता था कि लेट्स से अल्फा माइनस आई बीटा इज अ कॉमन रूट, फिर मैं बोलूंगा कि इसके कोफिशिएंट्स रियल है तो इसके जो रूट्स होना चाहिए वो भी कॉन्जुगेट पेयर में होना चाहिए, अगर एक रूट अल्फा माइनस आई बीटा है तो दूसरा अल्फा प्लस आई बीटा होना चाहिए, हैंस बोथ द रूट्स आर कॉमन, फिर वही कोफिशिएंट्स का रेशियो से, क्लियर है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन को कॉपी करो जिसका नहीं आया था, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि लेट द इक्वेशन, मैं केवल एक डाटा लिख रहा हूं अगेन, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो हैज अ रूट, उसने बोल दिया इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, देन फाइंड द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑन ए बी सी, और उसने एक और स्टेटमेंट दे रखा है जिसका यूज होगा a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर विच इज q, ठीक है। तो देखते हैं इसका, तो देखो सबसे पहली बात इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट देखो क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका था, तो बाय ऑब्जर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, इसका एक रूट वन होगा,
वन इसका एक रूट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसने एक दे रखा है 2+√3, 2+√3। अब मैं वो नोट का यूज करूंगा कि अगर कोफिशिएंट्स रैशनल हैं तो इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। दैट मींस इसका अगर एक रूट 2+√3 है तो इसका एक और रूट होगा 2-√3, ठीक है। अब हम वो नोट पे आते जो हमने 2-3 क्लास पहले पढ़ा था, अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट हैं, then this will be an identity. It is true for all x. And in that case, coefficients will be zero. X square का coefficient, x का coefficient and constant part. तो क्या हो जाएगा? a-b is equal to zero, b-c is equal to zero and c-a is equal to zero. तो इन तीन इक्वेशन से क्या आया मेरा? a is equal to b is equal to c. This is what required condition on ABC. क्लियर हुआ बच्चों? एक बार और दोबारा बताता हूँ। क्या बोला मैंने? कि ये ऑब्जर्वेशन से हम एक रूट बता सकते हैं कि वन इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। डाल के देखो, ए माइनस बी, इधर वन स्क्वायर वन होगा, इधर भी वन हो जाएगा, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जीरो है। दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट इज जीरो, देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक का एक रूट वन है। दूसरा, इसने दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 2+√3 है, ठीक है, उसमें दे रखा है। फिर मैंने वो नोट यूज किया कि सिंस कोफिशिएंट्स आर रैशनल, देयरफॉर अगर इरेशनल रूट्स होंगे इसके तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो अगर एक रूट 2+√3 है तो दूसरा क्या होगा? 2-√3। तो अब ये क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हो गए? 3 रूट्स हो गए। फिर मैंने एक नोट लिखवाया था, अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, दैट मींस दिस विल बी एन आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या था? दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, मैं एक्स कुछ भी रख सकता हूं। बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है, 0x² + 0x + 0 इज इक्वल टू 0। आपको सोचो, तुम एक्स के कुछ भी रखो, 0 ही आएगा ना, हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो इन दैट केस क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं दे आर ऑल जीरो, तो उनको जीरो किया, एबीसी में हमें ये रिलेशन मिला। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम नया कंसेप्ट कुछ सीखते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। देखना, अब एक मेथड का नाम लिख लो। अभी हम कॉमन रूट कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, बट एक डिफरेंट अप्रोच। तो लिखो, ऑल्टरनेट अप्रोच लिख लो, ऑल्टरनेट मेथड या अप्रोच फॉर कॉमन रूट कंडीशन, फॉर कॉमन रूट कंडीशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। और अगेन, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैं जनरलाइज करवा रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक के लिए, कितने भी डिग्री पॉलीनोमियल के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट्स से मेरा एक मेरा एफ एक्स है, सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, मतलब तो मैं इसको क्यूबिक ले रहा हूँ, क्यूबिक ले रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने ऐसे लिखा, x-1 × x-2 × x-3। तो अब देख रहा है इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 3 जगह 0 हो रहा है, 1 रखने पे भी ये 0 हो रहा है, 2 रखने पे भी और 3 रखने पे। इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। एक मैं दूसरा पॉलिनोमियल ले रहा हूं, लेट्स से जी ऑफ एक्स, इसको लेट्स से मैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल ले रहा हूं। तो मैंने लिख लिया, ऐसे लिख लिया, x-2 × x-3 × x-4 × x-5। सो दिस इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इसके 4 रूट्स होंगे, विच आर 2, 3, 4 एंड 5। तो मैंने इसके 4 रूट्स ले लिए, 2, 3, 4, 5। देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सुनना, अब मैंने क्या किया, एक नया फंक्शन डिफाइन किया एच ऑफ एक्स। क्या किया? एक नया फंक्शन लिखा, एक नया पॉलिनोमियल लिखा, और वो क्या लिखा कि मैंने एक कॉन्स्टेंट लिया के वन, उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस एक दूसरा कॉन्स्टेंट लिया, उसको मैंने जी एक्स से मल्टीप्लाई किया। मैं इसको क्या बोलूंगा? एच एक्स इज वॉट, लिख लो इधर, लिख लो एच एक्स इज वॉट, एच एक्स को लैंग्वेज के टर्म्स में क्या बोलूंगा? इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो इक्वेशन दी ना, उनको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करने को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखूंगा? एच एक्स इज लीनियर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। क्या हो गया मेरा? एच ऑफ एक्स क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड, ठीक है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अच्छा, मैंने तुमसे अगर पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ एच एक्स, एच एक्स कितने डिग्री का पॉलीनोमियल होगा, तो देखो हम पहले देखते हैं। मैंने बोला जो ये के वन तो कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एफ एक्स कितना है? ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। और जो मेरा जी एक्स है ये 4 डिग्री है, ये के तो कॉन्स्टेंट है तो ये 4 डिग्री है,
ये 4 डिग्री है। फिर मैंने बोला ओवरऑल एचएक्स कितने डिग्री होगा, डोंट टेल 3 + 4 = 7 डिग्री, नहीं 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 इधर इधर मतलब 3 डिग्री मतलब क्या है, इसमें क्यूबिक टर्म आएंगे, मैक्सिमम क्यूबिक तक आएगा, इसमें मैक्सिमम 4 तक आएगा, तो ओवरऑल क्या होगा इसका, ओवरऑल डिग्री मिल गई 4, जो हाईएस्ट पावर है एक्स का वो इधर आ रहा है 4, वही इस पूरे का डिग्री होगा। तो मैंने क्या बोला एचएक्स विल बी ऑफ डिग्री 4, विल बी ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 है इसका मतलब 4 रूट्स आएंगे, जितने डिग्री का पॉलीनोमियल होता है उतनी रूट्स होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का 2 डिग्री होता है, एक्स का पावर मैक्सिमम 2 होता है तो इसलिए 2 रूट्स आते हैं, तो 4 डिग्री का है इसका मतलब इसके 4 रूट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको, एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा ऊपर का रब कर देता हूं, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, लुक एट हियर, ठीक है। मैंने बोला कि लेट्स फाइंड एच ऑफ 1, चलो पहले मैंने बोला एच ऑफ 2 निकालो, एच ऑफ टू क्या होगा, k टाइम्स k1 टाइम्स एफ ऑफ 2 प्लस k2 टाइम्स g ऑफ 2, देखना ध्यान से k एच ऑफ 2 निकाल रहा हूं, तो f2 क्या है फंक्शन का वैल्यू fx का at x = 2 व्हिच इज 0 क्योंकि 2 इसका रूट है, तो ये चीज 0 होगी। सिमिलरली g 2 इज द रूट ऑफ gx आल्सो, तो ये चीज भी 0 हो गई, तो h2 0 आ गया, h2 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, जो मेरा hx है ना पॉलीनोमियल 4 डिग्री इसका एक रूट 2 होगा। दोबारा एक बार मैंने क्या किया है, इस एच एक्स में जो कि था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इसमें x की जगह 2 डाला, तो मेरा रहा k टाइम्स k1 टाइम्स f ऑफ 2 प्लस k2 टाइम्स g ऑफ 2, मुझे पता है कि 2 जो है x इज इक्वल टू 2 दैट इज रूट ऑफ एफ एक्स, तो ये चीज 0 हो गई। सिमिलरली जी एक्स का भी रूट है 2 विच इज दैट इज ऑल्सो 0, तो एच ऑफ 2 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ एच एक्स में 2 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब 2 इज द रूट ऑफ एच एक्स, मतलब एच एक्स का रूट 2 होगा। अच्छा फिर मैंने लिखा h ऑफ 3, सिमिलरली इट विल बी k1 टाइम्स f ऑफ 3 प्लस k2 टाइम्स g ऑफ 3। अब देखते हैं अगेन 3 जो है वो fx का भी रूट है, तो उसके कारण ये चीज 0, जो 3 है वो gx का भी रूट है तो उसके कारण ये चीज 0, तो अल्टीमेटली ये भी 0 मिला, तो इसका मतलब h ऑफ x का एक रूट 3 भी होगा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने जिन दो फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ना, अगर इन दोनों में कुछ रूट कॉमन होंगे, सुनना ध्यान से, इन दोनों इक्वेशंस में जो रूट कॉमन होंगे वो इसके भी रूट्स होंगे, कौन किसके रूट्स होंगे, जो एक्सप्रेशन लिखा है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से, देखो 2 और 3 इसके भी रूट्स है, तो कॉमन रूट्स क्या बोलूंगा कैरी होते हैं, किसमें कैरी होते हैं, इस लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब तुम देखो अब अनकॉमन रूट रख के देखते हैं, मैंने कहा लेट्स से x = 1 रखा, तो h ऑफ 1 निकाला, तो h ऑफ 1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, k1 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस k2 टाइम्स g ऑफ 1। अब देखना 1 जो है वो fx का रूट है, तो उसके कारण चलो ये तो 0 हो गया, बट क्या 1 g का रूट है, नहीं, इसके तो 2 3 4 5 है ना, तो दिस इज नॉट 0, इसका मतलब h ऑफ 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब h ऑफ 1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब hx का रूट 1 नहीं हो सकता। अब इन दोनों स्टेटमेंट को क्लब करके क्या बोल सकता हूं, देखो 2 और 3 तो रूट आ रहे हैं hx के, 1 नहीं आ रहा, सिमिलरली यू विल सी 4 और 5 भी नहीं आएगा, h ऑफ 4 भी 0 नहीं होगा, सेम बेसिस पे h ऑफ 5 भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 4 और 5 पे ये चीज तो 0 हो जाएगी, g वाली, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी g वाली, लेकिन f वाली नहीं होगी, तो h1 h4 h5 0 नहीं है, ठीक है ना, बट h2 और h3 0 है, इसका मतलब क्या है, 2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ hx, ठीक है। तो अब मैं क्या कंक्लूजन लिखू इससे, ये लिख रहा हूं, देखो सुनना, पहले लिख सुन लेते हैं उसके बाद लिखेंगे, हम लिखेंगे समरी करके। मैंने बोला कि दो कोई दो फंक्शन है या दो एक्सप्रेशन है एक्स के, अगर उनमें कुछ रूट्स कॉमन है तो वो रूट्स कैरी होंगे, किसके अंदर कैरी होंगे, उन दोनों एक्सप्रेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बना है, विच इज नथिंग बट एच एक्स हियर, दिस इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड एच एक्स, उसका रूट्स भी कौन से रूट्स होंगे, इन दोनों में जो कॉमन है, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम अभी, जो हम कॉमन रूट कंडीशन निकाले थे इतनी बड़ी सी, वो भी इससे ड्राइव करेंगे, हम स्पेशल केस लेंगे क्वाड्रेटिक वाला, अभी मैंने जनरलाइज लिया है 3 डिग्री 4 डिग्री पॉलीनोमियल, ठीक है। तो अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, समरी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखना, समरी में मैंने क्या लिखा समरी में कि इसको चलो एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, इसको इक्वेशन 2, और जो एच एक्स वाली इक्वेशन है ना इसको इक्वेशन 3। मैंने बोला As equation 3 is linear
लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, पहली बात तो ठीक है ना, एज इक्वेशन थ्री इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन एंड वन एंड इक्वेशन टू, देयरफॉर द रूट्स, देयरफॉर द रूट्स विच आर कॉमन, विच आर कॉमन बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स विल ऑल्सो बी द, विल ऑल्सो, इसको रब कर रहा हूं तुम लोग लिख लेना, विल ऑल्सो बी द, विल ऑल्सो बी द रूट्स ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, वही चीज लिखा है मैंने, जो एफ एक्स और जी एक्स के कॉमन रूट्स होंगे वो एच एक्स का भी रूट्स होगा। एच एक्स क्या है मेरा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। और लीनियर कॉम्बिनेशन बताया मैं क्या होता है, उन एक्सप्रेशन को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वॉट एवर, मतलब अगर सब्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब क्या, के टू नेगेटिव है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट, किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, वो कॉन्स्टेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, कैसे भी हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स में जो कॉमन रूट होगा वो एच एक्स का भी रूट होगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये हुई, अब सुनना एक और इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने बोला कि ये मेरा एफ एक्स था, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सुनना, मैंने बोला एक ऐसा एक की एक ऐसी वैल्यू है और एक ये मेरा एच एक्स, मेरा एच एक्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। मैं इसको नीचे को रब कर देता हूं, एक काम करता हूं तुम लोग इसको कॉपी करो, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। देखना मैंने बोला कि एक तो मैंने ऐसे लिखा था, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वन एफ एक्स प्लस के टू जी एक्स, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कि अगर मान लो एक एक्स की ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन वन को और इक्वेशन थ्री को, मतलब सेटिस्फाई कर रही है, मतलब एक ऐसी एक्स की वैल्यू है जो इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, कैन वी कमेंट कि वो जी एक्स का रूट होगा या नहीं। पॉज करो सोचो, मैंने अभी तो क्या, उससे पहले क्या बोला था, जो एफ एक्स और जी एक्स का जो रूट होगा वो कॉमन, जो रूट होगा वो जी एच एक्स का भी रूट होगा, ये हमने लिख लिया अभी। अब मैं बोल रहा हूं जो रूट एफ एक्स और एच एक्स का होगा वो रूट जी एक्स का होगा या नहीं, वी आर कमेंटिंग ऑन दैट। तो आंसर इज होगा, कैसे, मैंने बोला कि अगर अगर वो जो रूट है एच एक्स का, अगर वो एफ एक्स का है तो एफ एच एक्स में तो जरूर आएगा ना, जब वो इन दोनों में आया, क्योंकि मैंने बोला कैरी रूट, जो कॉमन रूट होता है ना वही कैरी होता है। तो मैंने बोला एच, अगर लेट से मैंने इसका रूट एक अल्फा बोला और मैंने बोला इसका भी रूट अल्फा है, नाउ वी हैव टू प्रूव कि जी एक्स का रूट भी अल्फा होगा। दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं उसको, देखना ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि एक रूट तो मेरा, मतलब एफ एक्स और एच एक्स में एक रूट है कॉमन, फिर मैं बोल रहा हूं कि क्या वो जी एक्स का रूट होगा, तो आंसर इज यस होगा। क्यों होगा, द रीजन इज कि अभी मैंने बोला कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, जो मैंने एच एक्स लिखा है उसमें केवल कॉमन रूट्स आते हैं, अब इसका रूट अल्फा है, इसका रूट अल्फा है, ये मतलब, इसका मतलब इन दोनों में ही अल्फा आना चाहिए था, तभी इधर कैरी हुआ, इसका मतलब अल्फा इज ऑल्सो रूट ऑफ जी एक्स, एक वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। अदर वे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर एच एक्स एफ एक्स और के एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, कैसे, जैसे मैं जी एक्स लिख रहा हूं तो मैं इधर ऐसे लिख सकता हूं एच एक्स इज एच एक्स माइनस के वन टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू के टू जी एक्स, फिर के टू से डिवाइड कर दिया, फिर इसको लिख दिया के वन बाय के टू और इसको वन बाय के टू। तो अगेन अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा जी एक्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एच एक्स एंड एफ एक्स, क्यों, क्योंकि वन अपॉन के टू भी एक कॉन्स्टेंट है। लेट्स से इसको मैंने के थ्री बोल दिया और माइनस ऑफ के वन अपॉन के टू इसको मैंने के फोर बोल दिया, तो जो मेरा जी एक्स लिखा है दैट इज नथिंग बट के थ्री टाइम्स एच एक्स प्लस के फोर टाइम्स एफ एक्स, एंड जी एक्स इज वॉट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एच एक्स एंड एफ एक्स। तो जो रूट्स एच एक्स और के एक्स का होगा कॉमन वो जी एक्स का होगा, तो एफ एक्स का अल्फा था, जी एच एक्स का अल्फा था, तो वो जी एक्स का भी होगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई रूट है, किसी भी दो इक्वेशन का रूट है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स में से किसी भी दो इक्वेशन का है तो वो तीसरी का होगा ही होगा। अब कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लो, अभी मैंने एफ एक्स जी एक्स तो स्टार्ट किया था, फिर एफ एक्स एच एक्स लिया, अब तुम बोल दो जी एक्स एच एक्स बोल दो कि लेट्स से जी एक्स और एच एक्स का एक रूट है कॉमन, तो वो पक्का एफ एक्स का होगा, सेम एक्सप्लेनेशन। तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, ये तो याद रखना ही है ठीक है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन निकला, इफ एनी इफ लेट्स से चलो ऐसे लिख लो, इफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से अल्फा सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड एनी ऑफ द अबव टू इक्वेशंस देन इट विल देन इट विल बी सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड बाय थर्ड इक्वेशन 100%। समझ में आया क्या बोला मैंने? कहा अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फा कोई वैल्यू है, अगर वो इन तीनों में से किसी भी दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो पक्का वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक कंक्लूजन ये, इसी में हम एक और कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। अभी मैं एक बार समरी और एक बार रिकॉल करेंगे, 5 मिनट का रिविजन करेंगे इस पर्टिकुलर पे। मैंने बोला ये तो हो गया ठीक है कि अगर किसी भी दो का रूट है तो तीसरे का होगा, और कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो दो का, ठीक है ना। लेट्स से मैंने gx और hx लिया, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो fx का रूट होगा। क्यों? बिकॉज fx को भी मैं hx और kx gx के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, जैसे मैंने gx को लिखा है इधर, ठीक है ना। अच्छा एक बार ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि अब सुनना ध्यान से, एक और कंक्लूजन मैंने बोला कि तीन लिखे थे हमारे पास, fx is equal to 0, gx is equal to 0 और hx is equal to 0। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट्स से इसका एक रूट है अल्फा, और हमने प्रूफ कर दिया, अगर मान लो हमें पता है कि अल्फा लेट्स से इसका रूट नहीं है, अल्फा इसका रूट नहीं है, तो 100% अल्फा इसका भी रूट नहीं होगा, ये बताना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? दोबारा मैंने बोला लेट्स से अल्फा इसका रूट है, और फिर मेरे को मैंने ये भी प्रूफ ये ड्राइव कर लिया कि अल्फा इसका रूट नहीं है। अगर नहीं है, इफ अल्फा इज नॉट रूट ऑफ दिस, 100% अल्फा विल नॉट बी द रूट ऑफ दिस। समझ में आया कि अगर अल्फा किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, तो पक्का वो तीसरे को भी नहीं करेगा। क्यों? अगर वो कर रहा होता, उल्टा प्रूफ कर रहे हैं, अगर वो इसको कर रहा होता तो जीएक्स को तो करता है, क्योंकि इसके पहले वाले नोट के हिसाब से इन दोनों को कर रहा है, तो जीएक्स इज व्हाट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफएक्स एंड एचएक्स, तो जीएक्स को भी करता, बट जीएक्स को नहीं कर रहा ना, इसलिए वो तीसरे को नहीं करेगा। तो इसको भी तुम अपने लैंग्वेज में लिख लो, क्या लिखोगे कि इफ fx if one of the root of fx is alpha and also and and if alpha is not the root of gx then alpha must not be the root of hx। दोबारा एक बार रिपीट कर, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम लिखो, लिखना है। देखो क्या लिखो, if alpha is root of fx is equal to 0 and alpha is not the root of gx and if alpha is not the root of gx then 100% alpha will not be the root of hx। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना जो कॉमन रूट कंडीशन लिखवाई थी ना, वो भी हम इससे ड्राइव करेंगे, और इससे क्वेश्चंस थोड़े आसान हो जाएंगे सॉल्व करना, हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तो एक बार समराइज करता हूं मैं, ओवरऑल हम क्या सीखे इसमें। मैंने बोला हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एफ एक्स और जी एक्स। मैंने बोला उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने एच एक्स लिखा था, ठीक है, तो मैं बता दिया लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर मैंने बोला कि जो एफ एक्स और जी एक्स में जो कॉमन रूट्स होंगे ना, वो रूट्स एच एक्स के भी होंगे। पहला पॉइंट एक बार और, जो एफ एक्स और जी एक्स में जो रूट्स कॉमन होंगे, जैसे मैंने देखा था 2 और 3 आर द कॉमन रूट्स, तो वो रूट्स नीचे भी कॉमन कैरी होंगे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से। ये पहला नोट था। उसके बाद फिर हमने दूसरा कंक्लूजन क्या निकला था कि अगर मैंने पहले तो लिया एफ एक्स और जी एक्स का, फिर मैंने प्रूफ किया एफ एक्स और एच एक्स का भी जो रूट होगा ना कॉमन, वो जी एक्स का रूट होगा। क्यों? एक एक तरीका था इसको एक्सप्लेन करने के, दो तरीके बताए थे उसमें। एक मेथड क्या बोला था मैंने कि gx को भी मैं क्या लिख सकता हूं, fx और hx का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सिंस gx इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ fx एंड hx, तो fx और hx में जो कॉमन रूट होगा वो gx का भी रूट होगा। तो इन सब से मिला के फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था हमारा कि इन तीनों इक्वेशंस में से अगर किसी भी दो इक्वेशन का एक रूट है, तो वो रूट पक्का थर्ड का होगा। ये लिखा है इफ अल्फा सेटिस्फाइज एनी ऑफ द अबव टू इक्वेशंस, if alpha satisfies any of the above two equations then it will be satisfied by third equation। और last हमने क्या बोला, जो मैंने लिखा नहीं था, तुम लोगों को बोला है लिखने को, कि अगर मैंने, मेरे को ऐसा information है कि alpha इसका root है और इसका नहीं है, तो 100% वो तीसरे का नहीं होगा। ये हमने इसमें लिखा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं हमारे quadratic पे part पे। अच्छा एक चीज और याद रखना, जैसे अभी तो मैंने दो का example लिया है, तुम तीन का भी ले सकते हो। जैसे मैंने एक और equation बढ़ा दी, लेट्स से k3 टाइम्स fgh l ऑफ x, लेट्स से एक फंक्शन है मेरा l ऑफ x, तो अगेन
आई विल से एच एक्स इज वॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री. तो मतलब नंबर ऑफ फंक्शन कितने ही बढ़ा सकते हैं. अगेन के एक्स का रूट क्या होगा, जो रूट एफ एक्स जी एक्स और एल एक्स तीनों के जो कॉमन रूट होंगे ना वही एच एक्स के रूट होंगे. सेम थियरी, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज है. मैंने क्या बोला, अभी तो मैंने दो का एग्जाम्पल लिया, इट इज वैलिड फॉर थ्री फोर फाइव कितने भी फंक्शन हो. ठीक है चलो अब हम आते हैं एक्चुअल क्वाड्रेटिक पे और हम वो कंडीशन भी देखेंगे, कॉमन रूट कंडीशन कैसे निकालेंगे यूजिंग दिस कंसेप्ट. ठीक है तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो. हाँ तो अब हम मैंने बोला कि अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक में. ठीक है तो लेट्स से वही मैं क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ, ए वन एक्स स्क्वायर जो मैंने उधर ली थी सीआरसी जब ट्राई किया था. तो ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज माई क्वाड्रेटिक वन. एंड नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इज ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. मैं कौन सी कंडीशन ड्राइव कर रहा हूँ, कॉमन रूट कंडीशन, व्हेन एक्जेक्टली वन रूट इज कॉमन. ठीक है दोनों रूट कॉमन है तब तो बहुत ही आसान है, कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है. अब मैं बोल रहा हूँ लेट्स से इन दोनों का जो कॉमन रूट है दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा. ठीक है तो क्या होगा, मेरा अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट्स से मैंने इसको इक्वेशन वन बोला और इसको इक्वेशन टू बोला. ठीक है अब मैं वो फैक्ट यूज कर रहा हूँ क्या कि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है दैट विल बी वॉट, That will be, उसके उसका इसका जो कॉमन रूट होगा वो उस पर कैरी होगा. ठीक है तो अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं. लेट्स से ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा जी एक्स है. लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, इसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो. ठीक है तो मैंने क्या किया, देखना एक स्मार्टली एच ऑफ एक्स लिखा है विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इसको लिखा ए टू टाइम्स एफ एक्स माइनस ए वन टाइम्स जी एक्स. ये क्या है मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स. ऐसे बताया था माइनस और प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम्हें लगा कि सर माइनस की आपने देखा करो, माइनस को ए वन के साथ क्लब कर दो, प्लस लिख लो इधर माइनस ए वन लिख लो, कॉन्स्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं. तो मैंने ऐसा लिखा. अब तुम वीडियो पॉज करके फाइनल एक्सप्रेशन निकाल एच एक्स क्या आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है. जस्ट वीडियो पॉज द वीडियो एंड फाइंड एच एक्स, मैं निकाल रहा हूं इधर. ठीक है तो लिखते हैं. तो मैंने पहले इसको पूरे को ए टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये ए वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए टू बी वन एक्स प्लस ए टू सी वन. फिर माइनस ए वन टाइम्स दिस तो ये जाएगा ए वन ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वन बी टू एक्स माइनस ए वन सी टू, दिस इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट माय एच ऑफ एक्स. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एच एक्स जो है वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है एफ एक्स और जी एक्स का, तो इन दोनों में जो कॉमन रूट था विच इज अल्फा वो इसका भी रूट होगा, वो इसका भी रूट होगा अल्फा. अच्छा अब किस्मत से क्या हुआ, लकीली ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ है. सुनना तो फाइनली मैं एक बार लिख लेता हूं, ये मेरा बना ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू इन टू एक्स प्लस ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, दिस इज वॉट माई एच ऑफ एक्स. ठीक है इसका एक रूट मेरे को पता है कि अल्फा है. ठीक है ना अब देखो सबसे मजेदार चीज, किस्मत से क्या हुआ ये लकीली ये लीनियर आ गया. और मुझे पता है लीनियर का तो एक ही रूट होता है, जैसे क्वाड्रेटिक के दो होते हैं क्यूबिक के तीन होते हैं, उसी प्रकार लीनियर का एक रूट होता है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, सिंस दिस इज लीनियर इसका एक रूट होगा और मुझे एक रूट ऑलरेडी पता है अल्फा, दैट मींस अल्फा इज द ओनली रूट ऑफ दिस. देखें दो चीजें हैं, एक तो हमने बोला कि इसका रूट अल्फा आएगा, क्यों, क्योंकि जो एच एक्स था वो एफ एक्स और जी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था पहली बात. और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि जो एच एक्स है वो लीनियर है, एक्स की पावर वन है ना मैक्सिमम, लीनियर है तो इसका एक रूट होगा, एक रूट होगा और एक रूट अल्फा है, दैट मींस व्हाट अल्फा इज द ओनली रूट. अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है, सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई कराना मतलब x के लिए अल्फा डाल दो मेक इट जीरो. तो ये हो जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 into x, सो x के लिए अल्फा डाला प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू जीरो. तो इधर से मेरा कॉमन रूट आ गया a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई. तो उधर तो मेरी क्या आई थी, कंडीशन आई थी, इधर मेरा एक बेनिफिट क्या हुआ कि रूट ही आ गया, कॉमन रूट भी निकालना आ गया.
मतलब ये और बेटर हो गया हमारे लिए। उसमें तो क्या आई थी, हमारी कंडीशन आई थी, कॉमन रूट कंडीशन आई थी। इसमें क्या हो गया, रूट भी आ गया, कॉमन रूट की वैल्यू क्या है। अब कोई बोलेगा सर कि कॉमन रूट कंडीशन कैसे लाए, तो वो और आसान है। क्या करो, इस अल्फा आ गया हमारा, कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक में, तो हमें क्या होगा, क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है ना, अल्फा इन दोनों का रूट है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट दिस इन एनी वन ऑफ द टू इक्वेशन, यू विल गेट सीआरसी, कॉमन रूट कंडीशन। क्योंकि सीआरसी मतलब क्या था, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू में एक रिलेशन चाहिए था, और ये अल्फा मैं इसमें रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, रिलेशन मिल जाएगा। क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट दिस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन वन लिख लिया मैंने, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन वन और टू, किसी भी एक में, ऐसे नहीं दोनों में रखना है, टू गेट कॉमन रूट कंडीशन सी आर सी, तो हमारा सी आर सी आ जाएगा। सोचो कितना आसान हो गया हमारा। क्लियर हुआ बच्चों, कैसे निकाला हमने, अभी और क्लियरिटी और अच्छे से आ जाएगी, हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, तो मैं इसको रब कर देता हूँ बोर्ड को, ठीक है। तो लेट अस राइट वन क्वेश्चन, लिखो, फाइंड स्मॉल ए इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव ए इज इक्वल टू जीरो हैज अ कॉमन रूट, और तुम्हारा कॉमन रूट, तुम्हारा टारगेट होगा दोनों मेथड से करना है, एक तो सीआरसी से और एक फ्री जो अभी सीखा, अभी जो सीखा उससे तो मैं ही बताऊंगा, हालांकि तुम्हें इसको वेरीफाई करना है यूजिंग सीआरसी आल्सो, ठीक है ना। देन यू विल रियलाइज कि हाँ, विच वन विच मेथड इज बेटर, बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, जो कम टाइम लगाएगा दैट इज बेटर ऑफ कोर्स। तो मैंने लिखा, चलो करते हैं फिर इसको। तो पहले इसने कॉमन रूट बोला है, तो पहले तो हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों दोनों रूट कॉमन नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तभी तो एक एग्जैक्टली एक रूट कॉमन वाली चीज आएगी पिक्चर में। तो अगर मैंने देखा कि लेट बोथ रूट्स आर कॉमन, मान लिया एक मिनट के लिए दोनों रूट कॉमन है, अगर कॉमन है तो कोफिशिएंट्स, रेशियो के कोफिशिएंट्स क्या बराबर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का ऊपर वन है नीचे भी वन है, दिस इज इक्वल टू, इधर है माइनस ए प्लस टू और इधर है माइनस टाइम्स ए प्लस थ्री, और ये लिखा है थ्री बाय फाइव, थ्री ए अपॉन फाइव है, तो क्या ये बराबर हो सकता है, ऑफ कोर्स नहीं, ये तो यहीं से दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन से, ए कैंसिल हो गया, वन इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव, नॉट ट्रू, नहीं है ट्रू, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर देयर इज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, देयर इज एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, ठीक है। अब क्या है, अब हम वो कॉमन रूट निकालते हैं, ठीक है ना, और ए भी निकालना है, इफ ए इज द क्वेश्चन फाइंड अ, अच्छा फाइंड ए निकालना है मुझे, ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो मतलब दोनों रूट तो कॉमन नहीं है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा, अब सीआरसी लगाना, सीआरसी लगाओगे इसमें तो तुम्हें एक ही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको और किसी मेथड से करता हूँ जो मैंने अभी नेक्स्ट हमने सीखा, तो क्या करें हम, मैंने बोला ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देता हूँ, लेट्स से एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्या बेसिकली इधर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है वन, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, मुझे वही तो चाहिए, लीनियर चाहिए, ठीक है ना। वैसे हम क्या करते थे, इधर ए वन होता था तो इसको ए वन से मल्टीप्लाई करते थे, इधर ए टू होता था तो इसको ए टू से मल्टीप्लाई करते थे, जब सब्ट्रैक्ट करते थे तब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन गायब हो जाता था, गायब हो जाता था मेरा मतलब जीरो हो जाता था, और इधर क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि ए वन ए टू सेम है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस टू इंटू एक्स, और हो जाएगा प्लस ए प्लस थ्री इंटू एक्स, फिर प्लस थ्री ए माइनस फाइव ए इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो अभी नहीं लिख रहा हूँ, लेट्स से दिस इज व्हाट एच एक्स। अब मैंने बोला इन दोनों में अगर रूट कॉमन है अल्फा, तो पक्का इसका भी रूट होगा अल्फा, अल्फा रूट होगा तो क्या करे, सेटिस्फाई कराए करेगा, तो पहले तो मैं कॉमन रूट, ठीक है पहले मैं इसका कॉमन रूट निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस ए प्लस ए जीरो हो गया माइनस टू एक्स, और ये हो गया थ्री एक्स, है ना, थ्री एक्स माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू ए।
अच्छा ये हो गया मेरा एच एक्स। अब मैंने क्या बोला, इसका एक रूट अल्फा होगा, कॉमन रूट, तो सेटिस्फाई करेगा। तो इधर क्या आया, अल्फा माइनस 2a इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। अभी कॉमन रूट आया है इन टर्म्स ऑफ a। अब क्या करते थे हम, जो कॉमन रूट आता था उधर मैंने जो लिखवाया था उसको किसी भी इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। क्यों रखो, क्योंकि अल्फा इन दोनों का रूट है ना, सेटिस्फाई करेगा, तो उससे क्या होगा, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं रख देता हूं, तो सब्स्टिट्यूट दिस अल्फा इन एनी वन ऑफ द टू इक्वेशन, तो लेट्स से मैं ऊपर वाले में रख रहा हूं, किसी में भी रखो आंसर सेम मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ए प्लस टू इंटू अल्फा प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। अल्फा की वैल्यू रखो 2a इसमें, तो 4a² माइनस ए प्लस टू इंटू 2a प्लस 3a इज इक्वल टू जीरो, इधर लिख रहा हूं मैं, 4a² माइनस 2a² 2a इंटू a, और माइनस 4a प्लस 3a इज इक्वल टू जीरो। तो ये 2a² माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू आई हमारी 0.5, दैट यू कैन वेरीफाई, 0.5। ठीक है, तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, अब तुम बोलो कॉमन रूट क्या है, तो कॉमन रूट के लिए दोबारा इसको इसमें रख दो, तो अल्फा की वैल्यू आई, कॉमन रूट क्या होगा, एक बार ए की जगह 0 रखोगे तो एक तो 0 रूट है और एक दूसरा रूट क्या है, हाफ रखोगे तो 1, तो देर आर टू कॉमन रूट्स। ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, सुनना। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, देखो 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 ध्यान से सुनना, मजेदार चीज क्या है मेरी, क्या आई, ए की दो वैल्यूज आई, उन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मेरे अल्फा के दो आंसर आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों रूट कॉमन है, इंटरप्रेट ऐसे रिलेट नहीं करना है। इंटरप्रिटेशन क्या है, देखना, इधर मैं ऐसे समरी करके लिख रहा हूं, मैंने कहा इफ ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा 2a के बराबर है, 2 इंटू 0 0, देन द कॉमन रूट इज 0, देन द कॉमन रूट इज 0, दिस इज द कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला, इफ ए इज इक्वल टू हाफ देन अल्फा इज इक्वल टू 1, देन द कॉमन रूट इज 1। समझ में, ऐसे नहीं बोलूंगा दो कॉमन रूट है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रूट आ रहा है, मैं एक ही एक्चुअली, ए जो पैरामीटर है ना उसकी दो वैल्यूज आ रही है, तो एक पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग एक कॉमन रूट है, उसी पैरामीटर की दूसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी एक कॉमन रूट है, एंड द कॉमन रूट्स आर, एक बार 0 आ रहा है और एक बार 1 आ रहा है। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया हमारा। अब तुम इसी क्वेश्चन को, इट्स योर टारगेट, ठीक है ना, वो करना है, प्रैक्टिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन रूट कंडीशन, स्पेशली मेंस में तो इसका क्वेश्चन, मतलब ये समझ लो अगर दो बार में से एक बार आ ही जाता है, कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स में से एक बार आ ही जाता है, और अब तो मेंस वैसे भी हमारे 4-5 स्लॉट होते हैं, ठीक है ना, एक और एक साल में मतलब 8 स्लॉट होते हैं लगभग, 8 या 10, तो डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो किसी ना किसी स्लॉट में तो फंसेगा ही, तो आयो समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। मैंने क्या बोला, तुम्हारा टारगेट क्या है, कॉमन रूट कंडीशन से निकालना, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था, उससे तुम ए की वैल्यू निकालो एंड वेरीफाई कि तुम्हारी ये 0.5 आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, लेट अल्फा इज अ नेगेटिव, लेट अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग ऑल थ्री इक्वेशंस, और इक्वेशंस दे रखी है उसने, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0, दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2, एंड लास्टली एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड। और उसने बोला फाइंड अल्फा कॉमा ए कॉमा बी, तीन चीज निकाल लिया हमें, ठीक है, तीन इक्वेशंस वाला पार्ट हो गया। जैसे मैंने बोला था ना, जो अभी हमने अभी ड्राइव किया है, जो सीआरसी सेकंड मेथड पढ़ा है, उसमें मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं दो का कॉम्बिनेशन हो, जो तीसरा फंक्शन है वो तीन फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, चार का भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट पहले एक बार खुद से ट्राई करो, निकालने की कोशिश करो अल्फा ए एंड बी, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से,
अब मैं क्या लिख रहा हूं कि इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूं। मैंने बोला कि अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री इक्वेशंस। उसने इसका मतलब सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री इक्वेशन मतलब तीनों का रूट है अल्फा अल्फा, तीनों का रूट है अल्फा। तो इसका मतलब इन तीनों के जो लीनियर कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेगी या जो फंक्शन बनेगा उसका भी रूट कॉमन अल्फा हो, मेरे को पता है, क्योंकि कॉमन रूट क्या होता है, कैरी होता है। तो अब देखना मैं क्या, तो अब देखो, अब जो मेथड है ना वो थोड़ा दिमाग वाला पार्ट है। दिमाग वाले से मेरा मतलब है कि तुम्हें इन तीनों का इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है कि जो वेरिएबल्स है ना, जो पैरामीटर्स है ए एंड बी, जो अननोन है वो गायब हो जाए, गायब हो जाए मतलब हट जाए, ठीक है। तब देखना है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा, देखो ऐसे लिख रहा हूं इक्वेशन थ्री, चलो इसको मैं नाम दे देता हूं F1, F2 और F3। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, F3 माइनस F1 माइनस F2, दिस इज लेट्स से माय F4। F4 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, क्योंकि कुछ कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई वगैरह करके एड और सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अब देखो ऐसा करोगे तो देखो ये माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स है, और इधर भी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स था, दिस इज द बिगेस्ट हिंट। इन दोनों को, इसको अगर इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये ए और बी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, विच इज अननोन, मेरा केवल एक्स में इक्वेशन बनेगी मेरी। तो लिख कर लेते हैं, तो देखो एक्स इज F3 विच इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स और माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स, वो तो जीरो हो गया एक्स का कोएफिशिएंट, प्लस 45 माइनस 21 माइनस 15, दिस इज व्हाट माय F4 विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2 F3। और मैं बोल रहा हूँ कि इसका रूट क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि कॉमन रूट कैरी होता है। तो इधर से मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, सॉरी फंक्शन क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर और 45 माइनस 15 30 माइनस 21 9, तो प्लस 9, ये मेरा आ गया F4 और इसका एक रूट है अल्फा, अल्फा इसका रूट है, तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब ये इसमें रख दूंगा मेक इट जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो इससे मेरी अल्फा की दो वैल्यू आई, प्लस 3 कॉमा माइनस 3। अब वीडियो पॉज करके सोचो कौन सी करेक्ट है, या दोनों लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करो, अपने आप समझ जाओगे क्या लिखा है इधर। नेगेटिव अल्फा इज नेगेटिव, दैट मींस 3 इज रिजेक्टेड, माइनस 3 इज करेक्ट। हाँ, अगर उसने नहीं दिया होता अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर तो मुझे दोनों केस लेने पड़ते हैं, नाउ आई हैव टू टेक बोथ द केसेस, बट उसने ऑलरेडी एक हटाने के लिए उसने ऑलरेडी यूज इंफॉर्मेशन दी है कि अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर, देयरफॉर कॉमन रूट इज माइनस 3। ये तो अल्फा मेरा आ गया, दिस इज माइनस 3। अब ए और बी कैसे निकालो, क्या करें, रूट ही आ गया हमारा, इक्वेशन है, दोनों को सेटिस्फाई करा दो, ए और बी आ जाएगा। तो पहले में रखते हैं हम, तो माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो इधर से 3a इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 9, तो a कितना आ गया माइनस 5 माइनस 3 विच इज माइनस 8, तो ये आ गया मेरा माइनस 8। और फिर b निकालने के लिए जो कॉमन रूट है वो इसमें रख दो, सॉरी सेकेंड वाले में रखो, तो एक्स स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3b प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो इधर से 3b इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 9, तो b कितना आया माइनस 7 माइनस 3 विच इज माइनस 10, तो b भी आ गया मेरा माइनस 10। तो सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कब कर पा रहे हैं हम, जब हमें वो सेकेंड मेथड देखा, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला होता कि चलो इस मेथड से नहीं करना, सीआरसी से ही करना है एक मिनट के लिए, तो क्या करते, जस्ट ट्राई टू थिंक इट, एक बार सोचना इस पर, ठीक है ना, और हो रहा है या नहीं, नहीं तो मैं बताता हूँ, चलो एक काम करो बताता हूँ, यू ट्राई विद दैट मेथड, ठीक है ना, सीआरसी वाले से। क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों में सीआरसी लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों में भी एक रूट कॉमन है अल्फा, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक वो सीआरसी जो कॉमन रूट कंडीशन है वो तो हमने क्वाड्रेटिक के लिए ड्राइव किए, सिंस F1 एंड F4 बोथ आर क्वाड्रेटिक, सो वो कंडीशन तुम F1 और F3 में लगाओ, फिर एक बार F2 और F3 में लगाओ, तो तुम्हें दो इक्वेशंस मिलेंगी ए और बी में, उससे तुम्हारे ए और बी आ जाएंगे, और एक बार ए और बी आ गए तो फिर तो क्वाड्रेटिक आ गए अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी तुम्हारा टारगेट है, चलो एक काम करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन सेकंड मेथड जो है दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। क्या है तुम्हें, क्या करना है, कहा है तुम्हें करना है कि F1 और F3 में सीआरसी लगाओ, F2 और F3 में सीआरसी लगाओ,
उन दोनों से तुम्हें दो इक्वेशंस मिलेंगी ए और बी में. सॉल्व दोस टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और वेरीफाई करना कि ए और बी ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे. एंड कीपिंग इन माइंड यूज दिस इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड इन दैट मैथड कि अगर अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर. क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है ना. थियरी की पार्ट ऑफ तो आज इतना ही पढ़ेंगे, अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ. तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, मैं अब कर रहा हूँ इसको. If one root of the equation x square plus 2x plus 3k is equal to 0 and 2x square plus 3x plus 5k is equal to 0 is common, then find the value of k. Then फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना. अच्छा, और तुम्हें दोनों मेथड से करना है, ठीक है ना. मेक अ हैबिट ऑफ एज ऑफ नाउ दोनों मेथड से सॉल्व करो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, ठीक है. दिमाग में बैठना जरूरी है. और एक और क्वेश्चन है, ये सिंगल करेक्ट है. इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो हैव a common root, then तो relation बता रहा है lambda के में, एक relation बताना है. तो lambda square minus 7 lambda plus 1 is equal to 0, b part lambda square plus 7 lambda minus 1 is equal to 0 and c part मतलब option c, lambda square plus 7 lambda plus 1 is equal to 0 and d is लैम्डा स्क्वायर माइनस सेवन लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझे एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल एंड इमेजिनरी रूट्स, तो वो क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम. बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको भी तुम्हें ट्राई करना है. समवन फ्रॉम योर क्लास हैज आस्क्ड दैट क्वेश्चन, ठीक है ना. तो हम वो क्वेश्चन और लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस थ्री म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हैज रियल रूट्स. इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. हैज रियल रूट्स देन ए ऑप्शन इज म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 4/3, बी इज म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/3, सी ऑप्शन इज म्यू बिलोंग्स टू 4/3 कॉमा 5/3 and d option is mu belongs to 1/3 comma 5/3, ठीक है. और एक और इंफॉर्मेशन लिख लो इसी में, a comma b comma c are sides of triangle. इसका फैक्ट का भी यूज होगा, sides of triangle. We have to use this fact also कि a b c are sides of triangle. जो इस इक्वेशन में a b c यूज किए वो बेसिकली साइड्स हैं ट्राइंगल्स के, ठीक है. तो फिर इतना काफी है आज के लिए. और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, ठीक है ना, फील फ्री टू आस्क. और आज की आज एक टॉपिक हो जाना चाहिए, ठीक है ना. इसके ऊपर मैं एक काम करूंगा, तुम लोगों को आज शीट भी दे देता हूँ कॉमन रूट की, जो शीट है मेरे पास अरियत की, दैट आई विल गिव यू, सो दैट आज की आज तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना. तो इसके बाद हम नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.